नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। मित्रों, क्या आपके काम भी नहीं बनते हैं? आप कुछ भी प्रारंभ करते हैं, वह कार्य रास्ते में अधूरा रह जाता है, अंत तक आप उसे पूरा नहीं कर पाते। सबको धन की प्राप्ति होती है, केवल आपके काम नहीं बनते और धन आप तक नहीं पहुंचता है। आपके सभी मित्र, आपके सभी रिश्तेदार सुखी हैं, संपन्न हैं, केवल कमियां आपके जीवन में हैं। सभी घर में स्वस्थ हैं, आप अक्सर बीमार रहते हैं। आप पर लांछन लगते हैं, आप पर आरोप लगते हैं, लोग आपसे झगड़ा करते हैं, आपको पैसे नहीं मिलते हैं, कभी भी आपका प्रमोशन नहीं होता है, कहीं भी कुछ मुफ्त में मिल रहा हो सबको मिलता है, आपको नहीं मिलता। कभी भी कोई किसी को पसंद कर रहा, लोग आपको पसंद नहीं करते, अर्थात आपका सिक्का चलता ही नहीं है। सीधी बात है, आपका वजन बहुत हल्का हो जा रहा है, आपकी छवि, आपके व्यक्तित्व का भार बहुत कम है। मानो आपके अंदर आकर्षण क्षमता खत्म हो गई है, आपके अंदर ऊर्जा खत्म हो गई है। कोई नहीं आपकी बात मानता है, ना ही कोई अपने घर के किसी उत्सव में, किसी निर्णय लेने में आपको बुलाता है, अर्थात लोग आप पर विश्वास भी नहीं करते। आपकी तबीयत खराब रहती है, आपको डर लगता है, आप पर टोना टोटका का असर बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात मिला जुला कर यदि संकटमय है आपका जीवन, परेशान रहते हैं खुद से, तब आज का ये दुर्लभ प्रयोग आपके लिए। केवल ये एक चीज़, आप सिर्फ पढ़ना शुरू कर दें, भाग्य बदल जाएगा रातों रात, दुनिया झुकेगी आपके कदमों में, आपको हर बात बताई जाएगी, आपकी हर बात सुनी जाएगी, धन दौलत गाड़ी बंगला बेशुमार प्राप्त करोगे, जिसे प्रेम करते हो वह आपके जीवन में आएगा, ना विवाह में बाधा होगी, ना संतान प्राप्ति में, जीवन में हर कार्य बनेंगे, लंबी और स्वस्थ आयु मिलेगी आपको। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, कलयुग में कोई देवता जो सर्वप्रथम आपकी बात सुनते हैं या जीवित रूप में हमारे सामने है, वह है हनुमान जी महाराज। और कलयुग में जो ग्रह आपकी सबसे अधिक सुनेंगे, यदि उसे आप प्रसन्न कर लिए तो हर बात बन जाएगी, दुनिया आपके कदमों में होगी, वो ग्रह है राहु ग्रह। हनुमान जी एक ऐसे देवता है, कहते हैं ना, और देवता चित्त न धरही हनुमत से सर्व सुख करही। कलयुग में केवल हनुमान जी ही ऐसे देवता है जो आपको जीवन के हर प्रकार के सुख आनंद को दे सकते हैं। आज हनुमान जी महाराज का एक छोटा सा प्रयोग बताने जा रही हूँ, जिसे पढ़ने मात्र से, देखिए मित्रों ध्यान दीजिए, जिनका जन्म तारीख 9, 18 या 27 है, अर्थात यदि आप 9 मूलांक के हैं तो आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं और अपनी जो अनामिका उंगली है, यानी कनिष्ठा उंगली के बगल वाली उंगली, उसमें एक मूंगा धारण अवश्य कर लें। देखिए कैसे हनुमान जी की कृपा आप पर बरसती है। इस युग में जो भी धर्म को जिंदा रखता है उसके साथ हनुमान जी महाराज होते हैं। आज आपको ये तो मैं साफ कहूँगी कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़िए, हर कोई पढ़िए, 1 से 9 तक जिसका भी मूलांक जितना भी हो, परंतु 9 मूलांक वाले यानी 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोग नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। आज मैं बताने जा रही हूँ हनुमान सटीका। तुलसीदास महाराज जब बहुत बीमार हो गए, उन्हें ऐसा लगा जैसे कि अब मृत्यु उन्हें लेकर जाएगी, तब उन्होंने हनुमान सटीका का निर्माण किया और वो इसे पढ़ने लगे, जिसकी वजह से उनकी बहुत लंबी आयु हुई, वो रोग से मुक्त हो गए। हनुमान सटीका का जो भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर इसे पढ़ना प्रारंभ कर देता है, दुनिया उसके कदमों में झुकेगी, उसे संसार का हर सुख मिलेगा, वह कभी बीमार नहीं पड़ेगा, ना ही चिकित्सा में उसके धन खर्च होंगे, जीवन में जितने भी भौतिक सुख हैं उसकी बेशुमार प्राप्ति होगी और हर बात मानी जाएगी आपकी, दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। इसीलिए हनुमान सटीका का पाठ अवश्य करें और देखें क्या जीवन में बदलाव आता है।
अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।